हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय भाषाएं एवं साहित्य, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो तो उसमें सबसे बड़ा योगदान भाषा का होता है। हमारा भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ प्रत्येक कुछ किलोमीटर या दूरी पर भाषा रीति रिवाज बदल जाते हैं। भाषा असल में वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाएं, विचार, कार्यों आदि को प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें भी कभी कभी भाषा को एक विशेष स्थान पर समझने पर प्रकट होती है। साहित्य एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमारे समाज में प्रभावी विचारों को प्रतिबिंबित किया जाता है। यदि हमें किसी क्षेत्र, देश की संस्कृति को जानना है तो यह आवश्यक है कि हमें भाषा व साहित्य का क्रमिक विकास का ज्ञान हो। संस्कृत भाषा, मनुष्य ने लिपियां बनाई, तब से ही लेखन में संस्कृति, जीवन शैली व समाज की स्थिति दिखाई देती है। संस्कृत अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी। फ्रेंड्स, संस्कृत को ना मतलब ऐसा कई लोग कहते हैं कि जो संस्कृत है वो सारी भाषाओं की जननी है। संस्कृत वेद, उपनिषद, पुराण एवं धर्म सूत्र इटीसी संस्कृत में ही रचे गए। संस्कृत देश की प्राचीनतम भाषा। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से एक संस्कृत। साहित्य तो विशाल है। आरंभ इसका ऋग्वेद से माना जाता है। महान व्याकरणविद पाणिनि के अष्टाध्यायी में संस्कृत तथा इसके शब्द निर्माण का विश्लेषण किया। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में संस्कृत साहित्य का पता चलता है। बौद्ध धर्म जो कि 3 भागों में, एक महायान और एक हीनयान। महायान ललित विस्तार से अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र की लेखन सामग्री मिली और हीनयान महावस्तु सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथाओं का विवरण। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि संस्कृत भाषा सीमाओं की बाधा भी लांग जाती है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी क्षेत्रों में संस्कृत का योगदान रहा। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीरी राजाओं का इतिहास है। उसमें कालिदास की रचनाओं में भी संस्कृत साहित्य को 4 चांद लगाए, मतलब खूब प्रगति हुई। कालिदास, अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंश, महाव्यम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, भास द्वारा लिखी हुई स्वप्नवासदत्तम, श्रीहर्ष द्वारा लिखी हुई रत्नावली, चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र, वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र, प्राचीनतम साहित्य जो ज्ञात है उनमें सबसे प्राचीन वेद है। वेद की देख ले तो वेद संस्कृत में रचे गए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से प्रेषित हुए। शाब्दिक अर्थ ज्ञान, शाश्वत्र व ईश्वर प्रदत्त माना गया है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है ऐसा वेद में माना है। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। वेद त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये जो 3 वेद है उनको वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम जो वेद है उसे ऋग्वेद ही माना जाता है। ऋग्वेद की बात करें तो 1028 सूक्तों का यह संग्रह है। इसके प्रमुख देव इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, वायु इटीसी। इसके अधिकांश सूक्त सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत जीवन के उच्चतम मूल्यों को बताते हैं। इसमें वर्णित ऋचाएं मुख्यतः प्रार्थना ही है। 1600 सामवेद की बात करें तो इसमें साम, राग या गीत। सामवेद के अंदर
ऐसा माना जाता है कि रागों की उत्पत्ति हुई सर्वप्रथम सामवेद से ही पता चला रागों के बारे में। इनमें 1875 मंत्र हैं, 75 मूल बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत का यह मूल है। यज्ञ के अवसर पर लय में गाए जाने वाले मंत्र, आज भी आप देखते हैं कि कई सारे जो मंत्र गाए जाते हैं वो उनका एक निश्चित लय होता है, जैसे गायत्री मंत्र ही हो गया, शिव तांडव स्तोत्रम हो गया, तो वैसे ही मंत्र उस ज़माने में भी जो पंडितों द्वारा इस ज़माने में भी गाए जाते हैं, तो जो सबसे अगर उसमें विद्वान है, किसी को उसमें विद्वता हासिल है, तो वो बहुत ही लयबद्ध तरीके से गाते हैं। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता होता है, भारतीय संगीत का जनक कहलाता है। यजुर्वेद की बात करें, यजुर् का अर्थ पूजा यज्ञ करना। यह वेद विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों व मंत्रोच्चार से संबंधित है। वाचन अथर्वायु अथर्व्यु करता है। विशेष बात यह है कि ये गद्य पद्य दोनों शैली में है। दो मुख्य शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद की भी दो शाखाएं होती है, एक जो कृष्ण यजुर्वेद कहलाती है और एक शुक्ल यजुर्वेद कहलाती है। चारों वेदों में यह सब अधिक लोकप्रिय है। बात करें अथर्ववेद की, यह ब्रह्मा देव का रूप भी कहलाता है। 99 रोगों के उपचार का उल्लेख है इसमें। अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर रचित माना जाता है, इसीलिए शायद इसका नाम अथर्ववेद है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक है पिपलाद और एक है शौनक। मुख्यतः तंत्र मंत्र, रोग निवारण, जादू टोना, विश्वास, अंधविश्वासों का इसमें वर्णन है। आयुर्वेद के सिद्धांत इसी में उल्लेखित हैं। वेदों को जानने के सहायक ग्रंथ वेदांग, वेदों को जानने के जो सहायक ग्रंथ हैं वेदांग, संख्या 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ब्राह्मण की बात करें, चार वेदों के बाद अन्य कृतियां जिन्हें ब्राह्मण के रूप में विकसित हुई, इन ग्रंथों की रचना यज्ञ आदि विधानों का प्रतिपादन व उनकी क्रिया समझाने से है। ब्राह्मण विधि प्रधान होते हैं। प्रत्येक वेद हेतु अलग ब्राह्मण की रचना की गई, ये ज़्यादातर गद्य के रूप में रचित है। आरण्यक ब्राह्मण के पीछे का भाग है, ये रचना अरण्यों या वनों से हुई, इस कारण इन्हें अरण्य कहा गया। इसमें ज्ञान व चिंतन को प्रधानता दी गई। मुख्य बात यह है कि इन दार्शनिक विचारों से ही कालांतर में उपनिषदों की रचना हुई। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना या ज्ञान की प्राप्ति करना है। गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने हेतु शिष्यों के समूह गुरु के समीप बैठते थे, ये वेदांत भी कहलाते हैं। वेदों के चरम बिंदु हैं। प्राचीन व प्रामाणिक उपनिषद संख्या में 12, वैसे उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नचिकेता यम उपनिषद कठोपनिषद में है। गीता का निष्काम कर्म ईशोपनिषद में है। अब बात करते हैं महाभारत की। वेद व्यास द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्करण है, संस्कृत में ही लिखा गया है। जय संहिता भी कहते हैं इसे। इसके अध्याय पर्व कहलाते हैं। कहानी हस्तिनापुर सिंहासन पर दावा करने वाले कौरव पांडव के इर्द गिर्द ही रचित है। कहानी के सूत्राधार भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता का भी समावेश इसी में है, जो कि हिंदुओं का एक उपदेशात्मक ग्रंथ है। निष्काम कर्म, निस्वार्थ भाव से कार्य करने की बात इसमें कही गई है। अब रामायण, यह भी ग्रंथों के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। ऋषि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। आदि कवि कवियों में प्रथम ऋषि वाल्मीकि जी को कहा जाता है।
इसमें भगवान राम के माध्यम से पुरुषार्थ पालन का संदेश संपूर्ण मानव जाति को दिया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके अध्याय 7 हैं जो कांड कहलाते हैं। इसमें भगवान राम के अलावा भी लक्ष्मण, सीता, विभीषण, रावण आदि कई पात्र हैं। आधुनिक श्रीलंका में लड़े गए वह बुराई पर अच्छाई की विजय का वर्णन है। लंका नगरी में रावण का अंत व सीता को वापस लाने की घटना पर दीपावली का आयोजन जुड़ गया। रावण के अहंकार का अंत दशहरा आयोजन के रूप ले चुका है। पुराणों की बात करें, पुराण का शाब्दिक अर्थ आख्यान संख्या 18, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मावर्त पुराण, ब्राह्मण पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कुर्म पुराण एवं स्कंद पुराण भविष्य, ये सभी महापुराण कहलाते हैं। इनके माध्यम से हमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ प्राप्त होती है। संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष व पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। उदाहरण देखें तो मौर्य वंश, विष्णु पुराण, गुप्त वंश, वायु पुराण, सातवाहन वंश, मत्स्य पुराण से संबंध है। संस्कृत साहित्य का अधिकांश भाग पाणिनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शानदार ढंग से समझाया गया है। यह संस्कृत भाषा को कठोर नियमों से बांधे रखता है। मनुस्मृति समाज में स्त्री पुरुष भूमिका, सामाजिक स्थिति, बातचीत व आचार संहिता के पालन को दर्शाया गया है। मौर्य साम्राज्य के विषय पर कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा रचित अर्थशास्त्र वहाँ की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर केंद्रित था। कुछ वैज्ञानिक ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे चरक संहिता, चिकित्सा से संबंधित सुश्रुत संहिता, शल्य क्रिया, माधव निदान, रोग निदान, पंच सिद्धांतिका, ज्योतिष, वारामिहिर, आर्यभट्टीयम, खगोल विज्ञान, पिंगल गणित। मध्यकाल में संस्कृत साहित्य अधिक प्रधान नहीं रहा। राजतरंगिणी कलहण द्वारा कश्मीरी राजाओं की वंशावली वर्णन, बौद्ध साहित्य। भगवान बुद्ध अपने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग करते थे। पाली व प्राकृत भाषा में ग्रंथ रचे गए। संस्कृत में शिथिलन, त्रिपीटक साहित्य, त्रिपीटक जो साहित्य है उनमें पहला है विनय पीटक, नियम जिनका पालन बौद्ध भिक्षु करते थे। दूसरा है शुद्ध पीटक, नैतिकता व धर्म पर बुद्ध के संवाद। और तीसरा है अभिधम्म पीटक, नैतिकता, ज्ञान, मनोविज्ञान पर विचार विमर्श। जातक बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का संकलन। बुद्ध के जन्म की सारी कहानी जातक के समान है। संस्कृत व पाली में उपलब्ध बुद्ध चरित्र, अश्वघोष द्वारा रचित बौद्ध पर महाकाव्य ललित विस्तार, महायान शाखा का महत्वपूर्ण ग्रंथ बोधिवंश, पाली में लिखित गद्य कविता श्रीलंका में रचित दीपवंश, बुद्ध की श्रीलंका यात्रा वर्णन, महावस्तु संस्कृत प्लस पाली प्लस प्राकृत में लिखा गया। जातक व अवदान कहानियाँ। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद व भिक्षु नागसेन का संवाद, महावंश पाली भाषा का महाकाव्य, विशुद्धि मग्ग एक थेरवाद ग्रंथ बुद्ध घोष द्वारा रचित। अब जैन साहित्य की बात करें तो आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य प्राकृत अर्धमाघवी तमिल संस्कृत शौर सैनी गुजराती व मराठी में भी लिखा गया। आगम 46 ग्रंथ सम्मिलित, अंग 12, उपांग 12, प्रकीर्ण 10, मूल सूत्र 4, छेद सूत्र 6, चूलिका सूत्र 2,
ये सभी श्वेतांबर मार्ग वाले वालों हेतु हैं, दिगंबर इन्हें नहीं मानते। भद्रबाहु की रचनाओं को दिगंबर वाले मानते हैं। भद्रबाहु सबसे बड़े जैन भिक्षुओं में से एक थे। कल्पसूत्र की रचना दिगंबर संप्रदाय के अगुआ थे भद्रबाहु। हरिभद्र सूरी संस्कृत में लिखने वाले जैन लेखक हरिभद्र सूरी थे। हेमचंद्र सूरी संस्कृत और प्राकृत का व्याकरण लिखा। अब प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक देख लेते हैं। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, रामायण वक्के वाल्मीकि, भारत के वेदव्यास, माध्यमिका के नागार्जुन, सूत्र शास्त्र के नागार्जुन, अभिधम्माकोश, वसु बंधु, बुद्ध चरितम, अश्वघोष, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, अर्थशास्त्र, चाणक्य, महाभाष्य, पतंजलि, कुमार संभवम, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास मेघदूत, कालिदास रघुवंश, कालिदास मालविकाग्निमित्रम, कालिदास कुमार पाल चरित, जयसिंह कुमार पाल चरित, हेमचंद, हम्मीर महाकाव्य, जयचंद्र, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, राज तरंगिनी के कलहण, इंडिका के मेगास्थनीस, देवी चंद्रगुप्तम का विशाखदत्त, शिशुपालवध के माघ, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा लिखे थे और गीत गोविंद के लेखक जयदेव, नीति शतक के भर्तहरि, पंच सिद्धांतिका के वाराहमिहिर, कामसूत्र के वात्स्यायन, सूर्य सिद्धांत के आर्यभट्ट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण त्यौहार व मेलों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।